हेलो एवरीवन, कौन से गाने के ऊपर तैयारी चल रही है मैम? अच्छा अच्छा ओके, मतलब बेसिक स्टेप बता रहे हैं गरबा डांस का। तो कितने स्टेप है टोटल? पांच स्टेप। तो आप लोग अभी सीखने वाले हो पांच स्टेप? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू सीखिए अच्छे से। और इसको कहीं भी आप जा करके आप इस डांस को, इस स्टेप को, आप कोई भी डांडिया शो हो रहा हो या प्रोग्राम हो रहा हो तो आप इस स्टेप को सीख करके वहां पर अपना एक परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। ओके तो गाइस, अभी यहां पर जो डांस बताया जा रहा है वो गरबा डांस स्टाइल बताया जा रहा है, उसका पांच स्टेप आपको सिखाया जाएगा, जो कि आप सीख करके कहीं भी ऐसा जो फंक्शन हो रहा हो डांस का, गरबा डांस का या डांडिया प्रोग्राम हो, आप वहां पे कर सकते हो। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 तो इसको हम फोर कदम कर रहे हैं, आपको बताया कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 समझ गए? अब हैंड के साथ ऐसे एंड स्टेप, फिर ये स्टेप करेंगे चेंज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके हमारा बॉडी साइड रहेगा। अगर हम इस साइड जाते हैं तो हमारी इस साइड ऐसे, अगर हम इस साइड में जाएंगे तो हमारी इस साइड में ऐसे। ठीक है, स्पीड करें। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, और हम चलते हैं स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू करते हैं, तो स्टेप बता रहे कैसे करना है। ऐसे इसको पूरा घुमाएं। 1 ये गया, फिर वापस क्लैप, तो ये राउंड इस साइड जाएगा। ठीक है, इस साइड जाएंगे तो हैंड ये ऐसे होगा, फिर हैंड इस साइड जाएगा तो ये हैंड ऐसे। अब हम करेंगे नहीं, इसमें एक राउंड लेना होगा। हेड स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये स्टेप नंबर कितना है? 2। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 करते हैं, इसमें क्लैप और हैंड को ऐसे करना है, सिंपल क्लैप और हैंड को ऐसे करना है। पहले हम लेंगे 1, तो हमारा ये पैर ऐसे होगा। स्टार्ट। 1 एंड टर्न 2 ठीक है, फिर वापस फ्रंट 1। अब देखिए कौन सा पैर हम टैप किए, इस पैर को हम टैप किए तो हमको इस सेटअप जाना होगा। स्टार्ट। 1 एंड 2 वो हैंड अप, ये हैंड अप, हाँ फिर वापस 1 2 याद रखिए हमेशा अप में होगा, जिस साइड में हम ख़त्म करेंगे ये अप होगा। स्टार्ट। 1 एंड 2 वो वाली अप। ठीक है, अरे फिर से देखिए हैंड का स्टेप बता रहे हैं, ऐसे ऊपर ऐसे, और फिर हम यहाँ से जाएंगे तो ये है ऊपर, फिर हम यहाँ से जाएंगे तो ये है ऊपर। ठीक है, अरे स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 पीछे से टर्न करना। स्टेप नंबर हम चले स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं, हैंड का मूव ये होगा। स्टेप 1 2 अब इसके साथ कमर 1 2 3 4 और इस हैंड से अपने नैन को ऐसे उठाना है। ठीक है, अब पैर का यूज करना है। 1 2 3 4 और सेकंड पैर को बस हल्का उठाएंगे ऐसे, समझ गए कैसे? हाँ गाइस बहुत अच्छा, सही है सही है।
अब हैंड और पैरों के साथ करते हैं स्टार्ट। 1, 2, 3 and 4। इसमें हम शोल्डर को बस ऐसे करेंगे, ये ऐसे, ये ठीक है। अरे 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। इस स्टेप करते हो आप आगे ही बढ़ सकते हैं और अपने स्ट्रेस भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5, ठीक है। इसमें पैरों को बस यूज करेंगे। सबसे पहले आपको पैरों को कैसे यूज करना है, 1, 2 ये सेट कंप्लीट। एंड नेक्स्ट पैर लेफ्ट, 1 and 2। इस पे बॉडी को पीछे झुकाइएगा, ठीक है। स्टेप 2, अब हैंड के साथ करते हैं। देखिए हैंड को यूज करना है, 1 and 2, फिर इस साइड 1 and 2, ये ऐसे, ठीक है ऐसे। अरे चलिए आइए करिए मेरे साथ। स्टेप 1, 2, 3, 4। तो आज के लिए ये रहा 5 स्टेप। ये गरबा स्टेप है और गरबा सॉन्ग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे गरबा सॉन्ग पे 5 स्टेप को ऐड करिए, बीट पे और लिरिक्स पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे बहुत प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर अच्छे से आप कर लेंगे।